हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को 11th क्लास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कार्य ऊर्जा प्रमेय के विषय में पढ़ाएंगे। कार्य ऊर्जा प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि कार्य ऊर्जा सामर्थ्य नामक चैप्टर में है। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए, यम द्रव्यमान की वस्तु पर बल यफ लगाने पर किया गया कार्य W बराबर एफ टू एस इज इक्वल टू एम ए एस। एफ इज इक्वल टू एम ए होता है तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम ए रख दिया तो W बराबर एम ए एस हो गया। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस टू एस एम बाई टू से दोनों पक्षों में गुणा करने पर एक बटे दो एम ई स्क्वायर माइनस एक बटे दो एम ई स्क्वायर बराबर एम ए एस। ठीक है, यू वाले टर्म को इधर ले आया माइनस में हो गया। तो समीकरण एक दो को से की कंपैरिजन करेंगे, देखो आर एच एस में जो एम ए एस है समान है तो इधर भी समान होना चाहिए। डब्ल्यू बराबर हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम ई स्क्वायर, तो ये के फाइनल हो गया, ये के इनिशियल हो गया। ठीक है, प्रारंभिक और ये अंतिम गतिज ऊर्जा। तो के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो के एफ माइनस के आई इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो ये डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू, इसे क्या कहेंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, इसे कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं, बहुत ही शॉर्टकट में मैंने पढ़ाया है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।